आज हमारे नेता का जन्मदिन है जो कि बहुत हजारों साल जीने की हम तो कामना करते हैं। पूरे बिहार और देश की जनता भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मंदिर में आज जुम्मा का दिन है, मस्जिद में दुआ कर रहा है। लोग जानते ही हैं कि बिहार के विश्वकर्मा माने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, हम लोग बधाई देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 100 साल तक जिए और बिहार का इसी तरह भला कर। आजादी के बाद ऐसा महान पुरुष एक ही पैदा कोई लिया है जिसका नीतीश कुमार जी नाम है, जिन्होंने जीरो से बिहार को हीरो बनाने का काम किया। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 73 वर्ष के हो गए और ऐसे में देखिए पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, केक काटा गया है और एक एक करके हम उन नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो नीतीश कुमार के विचारों में विश्वास रखते हैं। हम किस तरह से देखते हैं आज नीतीश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे बिहार और देश की जनता भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मंदिर में आज जुम्मा का दिन है, मस्जिद में दुआ कर रहा है, लोग चर्च में भी चल रहा है, गुरुद्वारा में भी चल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, चाहे पुरुष हो महिला हो, बिहार का हरेक जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग चाहता है कि मुख्यमंत्री को भगवान इतना ताकत दे कि बिहार का जिस तरह ही निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं 24 घंटा में 18 घंटा, इसी तरह इनका स्वस्थ रहे और बिहार और देश की तरक्की के लिए काम करते रहे। क्या उनको भगवान बताया जा रहा है, कहा जा रहा है बिहार के भगवान राम है नीतीश कुमार? देखिए भगवान तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य में नीतीश जी आजादी के बाद ऐसा महान पुरुष एक ही पैदा कोई लिया है जिसका नीतीश कुमार जी नाम है, जिन्होंने बिहार का विकास ऐसा किया कि बिहार का विकास का चर्चा बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर सभी प्रदेशों में नीतीश जी की चर्चा होती है। इन्होंने जीरो से बिहार को हीरो बनाने का काम किया। चलिए जीरो से बिहार को हीरो बनाने का काम किया है नीतीश कुमार, किस तरह से देखते हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री आगे कहां? ये हमारे बिहार के जो है माननीय हमारे नेता जो बिहार के विश्वकर्मा है, देख लीजिए क्या पूरे बिहार में भवन निर्माण के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा हुआ है, आप देखने की बात है ना। आज हमारे नेता का जन्मदिन है जो कि बहुत हजारों साल जीने की हम तो कामना करते हैं। हमारे नेता ऐसे ही जो है बिहार का विकास कर रहे हैं और आगे करते रहे। चलिए आगे भी करते रहेंगे और ऐसे में जैसे जैसे आगे बढ़िए, लोगों का कतार जो है वो लगा हुआ है, देख लीजिए किस तरह से केक काटा जा रहा है। साथ ही किस तरह से देखते हैं आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है 73वां, आगे कहाँ? अरे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी जन्मदिन है और साथ ही साथ अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय उमेश कुशवाहा जी, उनका भी जन्मदिन है। दोनों लोग का संयुक्त रूप से बिहार के प्रदेश के सभी लोग मिल के मनाए हैं और बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मिठाई बांटा जा रहा है, केक काटा गया, तो अच्छी बात है। और जानते ही हैं कि बिहार के विश्वकर्मा माने जाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। बिहार के विश्वकर्मा बिल्कुल ये सभी लोग जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता कहती है। ये सब बहुत खुशी की बात है और हम लोग बधाई देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 100 साल तक जिए और बिहार का इसी तरह भला करते रहे। बिहार का भला करते रहें और देखिए बिहार का विश्वकर्मा जो है वो नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। देखिए लोगों की बड़ी संख्या में जो लोग हैं युवा हैं नीतीश कुमार का जश्न मनाने के लिए पहुंचे, क्योंकि नीतीश कुमार की खबर ये थी कि पार्टी कार्यालय आएंगे और उसके बाद लोगों से कितना खुशी हो रहा है। आज नीतीश कुमार का जन्मदिन है, क्या भाभी नीतीश कुमार का जन्मदिन कितना जश्न मनाया जा रहा है? बहुत जश्न है, बिहार या भाग सब तमाम कार्यकर्ताओं में जोर से उम्मीद है। तो देखिए लोगों को क्या कुछ कहना था उनको से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार, आने वाले समय में और आगे बढ़े, तरक्की करे, ईश्वर उनको लंबी आयु प्रदान करे, तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।